हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम गौरव डांगसिया फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कस अबाउट रे वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था भाई रिफ्लेक्शन होगा, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था। और एक बेसिक जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन 10th स्टैंडर्ड में, वो हमने डिस्कस किया कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखता हूँ तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस की। और कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर, ठीक है ना, वो हमने डिस्कस किया दैट वो कौन से टर्मिनोलॉजी थी। तो भाई टर्मिनोलॉजी लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, ओके, ये सारी चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग आगे भाई रिफ्लेक्शन के अंदर ही अभी हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो इन 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपको पता भी आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, ओके, आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, वो हम लोग आज यहाँ पे डिराइव करेंगे भाई कैसे होगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ कैसे होगा वो हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। और साथ ही में लास्ट टाइम हमने टॉपिक को भी बाकी रह गया था, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हम लोग पहले वो पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और उसके बाद हम लोग अपना जो टॉपिक है मेन टॉपिक उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइन कन्वेंशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं पता है तो मतलब कोई भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। एकदम शॉर्टकट ट्रिक में बताता हूँ, ठीक है, कहीं पे पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। सपोज करिए अपने पास ये अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब दिक्कत आती है कि मैं कहाँ से, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। तो जो हमारा पोल है P, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या है भाई, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, ओके, नाउ द सेकंड वन, इफ यू मूव, अगर मैंने डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर मैं मूव होता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओके, दैट ऑल डिस्टेंस टेक एज अ पॉजिटिव डिस्टेंस, ओके, इफ मूव इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस टेक अ पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड वन इज इफ यू मूव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस तरीके से आ रहा हूं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट है तो भाई अपना होगा नेगेटिव, ओके, हम लोग उसको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो पॉइंट तो होगा नहीं, हाइट भी होगी, ठीक है, तो एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट है दैट इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड हाइट है वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो हाइट पॉजिटिव, अगर वो इरेक्टेड इमेज बन रही है तो भी हम पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, सीधा ही रखेंगे, उसको उल्टा नहीं रखेंगे। अगर इन्वर्टेड इमेज आ रही है तो उसकी हाइट हम लेंगे नेगेटिव। पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ये दिमाग में बैठ गया तो बाकी अपना जो काम है वो एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है ना।
सिर्फ आपको लर्न करना है कि डेरिवेशन कैसे आते हैं और न्यूमेरिकल फार्मूला किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन और एप्लीकेशन आ गया, फिर तो ये अगर साइन कन्वेंशन पता है तो फिर अपना काम बन गया। ओके क्लियर, चलिए लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके चलिए, हम लोग अभी डिफाइन कर रहे और डिराइव कर रहे हैं सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, और हम लोग को देखिए भाई एप्लीकेशन ये एप्लीकेबल है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस, ओके सपोज करिए भाई, चलिए अपना सी है, ये अपना एफ है, ठीक है, ये पोल हो गया, पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोले कि फोकल लेंथ, फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके आर सपोज करिए दिस इज अवर इंसिडेंट रे, ओके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट पास थ्रू फोकल पॉइंट। ओके आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी, दैट इज This is nothing but a normal. Okay? क्योंकि C मतलब सेंटर है, और सेंटर में से अगर मैं कोई भी सर्कल में अगर सेंटर में से मैं पेरिफेरी पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो सेंटर से आने वाली लाइन ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, सपोज करिए एंगल इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन, दिस इज ऑल्सो थीटा, क्यों देखिए इस तरीके से जेड बन रहा है, यहाँ पे जो होगा यही यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये टोटल हो गया टू थीटा, तो ये दूसरा जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये अपना हो गया टू थीटा। ठीक है, सपोज के ये अपना एम है और ये अपना हो गया पी एच। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे सारी चीज जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो स्मॉल एपर्चर्स के लिए होगा। ठीक है, मतलब की डायमीटर ऑफ मिरर क्या होगा, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारे की कंपैरिजन में भी अपना जो डायमीटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, क्लियर, ओके चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हुए यहाँ पे हमने इंसिडेंट है भाई, यहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है भाई, किस तरीके से होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट रे light incident on mirror at point M of mirror, okay, is reflected by mirror and reflected ray pass through focal point F। okay, दिख रहा है सबको, okay चलिए अब मैं साइन कन्वेंशन साफ कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ओके अब जो डायमीटर ऑफ मिरर है दैट इज वेरी मच स्मॉल। ओके सो मैं लिख सकता हूं कि डायमीटर ऑफ मिरर इज वेरी मच स्मॉल, सो वी टेक P as a P. ओके यानी कि P और P dash क्या है, नियर इक्वल टू। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ट्राइंगल CMP dash
ठीक है, मुझे रिलेशन चाहिए आर और एफ के बीच का, ठीक है, आर जब आएगा इसके अंदर, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल सी एम पी डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ नियर इक्वल टू ट्राइंगल सी एम पी, बोलो यस और नो, लिख सकता हूँ क्योंकि पी और पी डैश दोनों एक ही है, इफ देन टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ फॉर दिस, टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन द डिस्टेंस, ओके, सामने वाली अपॉन पास वाली, पास वाली कौन है पी सी, ओके, दिस इज इक्वेशन वन, नहीं ओके, और भी लिख सकते हैं, और फॉर स्मॉल एपर्चर्स क्या होगा, एंगल ऑल्सो स्मॉल, ठीक है, तो फॉर स्मॉल थीटा टेन थीटा लगभग इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी, दिस इज द इक्वेशन वन, ओके, नाउ फ्रॉम अनदर ट्राइंगल, ट्राइंगल एफ एम पी डैश, इसको लिख सकता हूं नियर इक्वल टू एफ पी एफ एम पी, ठीक है, टेन टू थीटा विच इज इक्वल टू सामने वाली यानी कि एम पी अपॉन पास वाली यानी कि पी एफ, ओके, तो इसको लिख सकता हूं टू थीटा इज इक्वल टू एम पी डिवाइड बाय पी एफ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या होगा, इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो ये हो गया अपना थीटा अपॉन टू थीटा विच इज इक्वल टू अपना एम पी अपॉन पी सी, पी सी मीन्स वॉट, पी सी मीन्स आर इन टू एम पी अपॉन पी एफ, पी एफ मीन्स प्रोविजन फंड नहीं है, ठीक है, बट फोकल लेंथ, चलिए तो ये हो गया अपना एफ बाय आर इज इक्वल टू वन बाय टू, तो लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू वाई सर, ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मिरर, लेंस में यूज नहीं करना है, लेंस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, बट लेंस में आर इज इक्वल टू एफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर मिरर, ओके, ओनली फॉर मिरर, और इस चैप्टर के लिए अगर याद रखिए एकदम मैं बता देता हूं आपको, इस चैप्टर के लिए अगर tan थीटा है तो इसको हम लोग नियर इक्वल टू थीटा लिखेंगे और नियर इक्वल टू sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा इज वेरी मच स्मॉल, ठीक है, और cos थीटा को हम लिखेंगे 1, ठीक है, tan थीटा को डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं या फिर उसको साइन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस थीटा को हम लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि थीटा तो स्मॉल है यानी कि नियर इक्वल टू 0 है, तो साइन 0 क्या होगा, 0 ही होगा ना, साइन 0 इज इक्वल टू 0 मतलब ए और ए क्या होए सेम, यानी कि यहाँ पे जो है वही होगा वहां पे, क्लियर, और कॉस 0 क्या होगा 1, तो जितना 0 जो है वो सॉरी थीटा जो है वो स्मॉल है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी, ठीक है, 1 के नियर होगी, क्लियर, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ओके, जल्दी से रिप्लाई करिए, ओके, लेट्स गो, ओके,
अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर इक्वेशन कि जैसे हम लोगों ने कल देखा कि अगर सी पे है, सी और एफ के बीच में है तो इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी, अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें इमेज भी सी पे मिलेगी, ठीक है। सी और एफ के बीच में कहीं पे मैंने इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमें सी से दूर मिलेगी, ठीक है ना। बट एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें चाहिए कि भाई पी यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो उसके लिए भी हमें कुछ इक्वेशन लगाना होगा, ठीक है, डिराइव करना होगा, तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस That is u, image distance, that is v, and focal length, that is f. Relation between object distance, image distance, and focal length is known as, इसको हम क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला, ठीक है, इट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग डिराइव करने वाले मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन। ओके, चलिए तो एकदम बढ़िया से फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ पहले कॉनकेव मिरर के लिए और वो एप्लीकेबल होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। चलिए ठीक है, ये अपना हो गया, सपोज करिए सी है, एफ है, चलिए ओके, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ सी से दूर कहीं पे, दैट इज दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट। ओके, अब इमेज बनाने तो मुझे क्या चाहिए, मिनिमम दो रे चाहिए ऐसे जो एक दूसरे को कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेज फॉर्म करने के लिए मुझे मिनिमम दो रे चाहिए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज पास फ्रॉम फोकल पॉइंट। ओके, चलिए, इट इज रिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ द सेकंड वन, हम एफ में से अगर पास कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द रे टू, तो वो क्या होके जा रहा था इससे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ ए मीन्स एड एस, दिस इज द इमेज। ओके, इसको मैंने अगर उल्टा कर दिया, this one is BS. Okay? Suppose करिए भैया object की height h है, image की height h dash है, ठीक है। चलिए one by one सारे वैल्यू, ये हो गया पोल, ठीक है, पोल से मैं अगर डिस्टेंस मेजर करता हूँ अप टू f, दिस इज नोन एज अ फोकल लेंथ। ओके, p टू b, देखिए इमेज बन रही है तो पोल से इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज c, this one is r, okay, and this one is u, object distance, ठीक है, ये object distance, ये हो गया अपना image distance, this is radius of curvature and this one is focal length, ठीक है। मैंने क्या किया है भाई, दो ray पहली है, इसके भी help से मैंने इसका image बनाया, okay, इससे पहले जैसे बताया था वैसे डिस्क्रिप्शन अब आप लिख सकते हो, ठीक है भाई, टू रे कमिंग फ्रॉम द ए ऑब्जेक्ट, कि जो ए पॉइंट है वहां से रे निकल के आ रही है। ओके, इट्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए डैश। ओके, सो द ए पॉइंट ए डैश इज द इमेज ऑफ ए। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो हो गया बी की इमेज, ठीक है, वो एक्सिस पे है तो इसकी इमेज यहीं पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ओके, चलिए एफ बी आर और यू को बता दीजिए भाई, ये वो ये सारी चीज आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मुझे डेरिवेशन करना है, अब मुझे क्या करना है भाई, डेरिवेशन करना है, ठीक है। इस कंडीशन यहाँ पे भी हम लोग यही लगे भाई, यहाँ से मैंने नॉर्मल लिया बी डैश, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई apertures of a mirror is very much small, so we take
P dash is near equal to P. Okay, P dash is near equal to P. तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है. तो from triangle आप देख सकते हो, from figure triangle A dash B dash F and triangle F M P dash. इसको मैं लिख सकता हूँ near equal to triangle F M P. Both are similar triangle. Both are similar triangle. देखिए कौन सा है, A dash B dash F और F M P dash. क्यों? देखिए यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है इतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है. सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि रेशियो जो होगा साइड का जो रेशियो है, ठीक है ना, वो इक्वल होगा, ठीक है. तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं कि बी डैश ए डैश, ठीक है ना, दिस हाइट, तो यहाँ पे भी होगा अपॉन एम पी विच इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे बी डैश एफ अपॉन अपॉन इसका क्या होगा पी एफ, ठीक है. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी डैश ए डैश अपॉन, अच्छा चलिए ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन वन, या फिर एक और कर सकते हैं, चलिए चलिए रुक सकते रुकिए रुकिए रुकिए. अब जो एम पी डैश है दिस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, एम पी इज इक्वल टू मैं ए बी लिख सकता हूं. ओके, तो यहां पे लिख सकता हूं कि बी डैश ए अपॉन बी ए विच इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन बी एफ. एम पी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है. यहां से आपको दिख रहा है कि भाई इसकी हाइट वगैरह कुछ आ गई है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, और बी डैश एफ, ठीक है, एंड पी एफ, पी एफ यानी कि फोकल लेंथ जैसा कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है. अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा. ओके, नाउ द सेकंड वन, सेकंड ट्रायंगल कौन सा है भाई, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्रायंगल. So we take ratio, ठीक है, A dash B dash P, okay? And second one is A P और B, okay? चलिए, भाई ऐसा क्यों होगा वो भी मैं समझा देता हूँ आपको. सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया होता, ठीक है, तो इसका इंसिडेंट एंगल और उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता, ठीक है ना, तो ये एंगल भी सेम होता, तो अब दिख रहा है ना आपको ये ट्रायंगल, तो दोनों क्या होंगे इक्वल, थीटा और थीटा है, ठीक है ना. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि बी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश अपॉन पी बी डैश, ठीक है. तो यहां पे लिख सकता हूं बी डैश ए डैश अपॉन बी ए विच इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. ओके, देखिए ये इक्वेशन सपोज करिए दिस वन इज वन, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगी. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ओके चलिए दोनों को इक्वल कर देते राइट हैंड साइड, तो इसको लिख सकता हूं कि पी बी डैश अपॉन पी बी विच इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ, ठीक है. चलिए बी डैश एफ मतलब कि ये डिस्टेंस दिस वन वो हमें पता नहीं है, बट इसको मैं लिख सकता हूँ पी बी डैश माइनस पी एफ, मिल जाएगा इतना डिस्टेंस, ठीक है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है, अपॉन पी एफ, पी एफ तो हमें पता ही है, ठीक है. ओके ठीक है, चलिए यहां तक पहुंच गए. अब हम लोग साइन साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ओके चलिए, पी टू बी डैश मीन्स ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इट इज मेजर फ्रॉम पोल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है ना,
this direction we will take it as positive and opposite to this, this one is negative. Okay, तो मैं object distance और image distance measure करना है तो मुझे यहाँ से कहाँ आना होगा, यहाँ पे आना होगा, मतलब कि image distance क्या होगी, negative, यानी कि PB dash is equal to minus B. Okay, PB, PB मतलब object distance, तो फिर क्या होना होगा, इस direction में positive है तो इसके opposite negative, क्योंकि पोल से अगर मुझे distance measure करना है, ठीक है ना, तो मैं object के पास zero नहीं रखूंगा, यहाँ पे zero रख के फिर मुझे move करना है towards object. तो अगर वो मोशन जो है वो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, दिस वन इज आल्सो नेगेटिव. ओके चलिए, नाउ पीबी डैश ओके हो गया. पीएफ, पीएफ अगर कॉनकेव मिरर है तो भाई वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, क्यों, भाई इसका जो ऑब्जेक्ट जो भी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होके इमेज के सामने, सॉरी मिरर के सामने यहीं पे सारे कंसंट्रेट हो गए, ठीक है ना, सारे रे यहीं पे मिल रहे हो गए, मतलब कि मिरर के सामने है और मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो P टू F जाने के लिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, तो अपोजिट जाना है तो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव ही लेनी है, ठीक है. ओके इतना हो गया, बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं, क्लियर, ये सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. PB dash मतलब माइनस V, माइनस F, F ऑलरेडी माइनस है, चलिए नो प्रॉब्लम. PF माइनस F is equal to PB dash upon PB, PB dash यानी कि minus V, this one is minus U, तो minus minus plus, ठीक है, this is also minus minus plus. Okay, चलिए, I hope कि वहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि मुझे पूरा साफ करना होगा तभी हम लोग मिरर फॉर्मूला आप तक पहुंचेंगे, ठीक है. चलिए, किसी को डाउट है इसमें जल्दी से कमेंट करिए. कोई डाउट है? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. ओके लास्ट टर्म में हम तक पहुंचे थे, माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ है, ठीक है ना, तो दोनों को अगर अप्लाई किया तो वी माइनस एफ हो जाएगा डिवाइड बाय एफ विच इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है. चलिए तो हो गया वी यू माइनस एफ यू इज इक्वल टू वी है, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाय V into U, ठीक है, तो ये हो गया वन माइनस एफ बाय वी इज इक्वल टू एफ बाय यू, ठीक है. ओके ओके चलिए इसको मैं यहां पे लिखता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, one is equal to f by u plus f by v, यहाँ से मैं f कॉमन निकाल दूँ तो one upon u plus one upon v, ठीक है, f को यहाँ पे लेके आए तो one upon u plus one upon v is equal to one upon f, okay, it is known as mirror formula या फिर mirror equation, clear? दूसरी बात, यहाँ पे हमने sine convention apply कर ली थी, but only for ये कंडीशन हमें थी कि भाई वर्चुअल इमेज बन रही है, सॉरी
रियल इमेज बन रही है उसके लिए हमने पूरा डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंपलसरी आपको साइन कन्वेंशन फिर से अप्लाई करनी है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, फिर से साइन कन्वेंशन जो है अप्लाई करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये जो आपका आंसर होगा वो सही होगा, वरना फिर आपको पता नहीं चलेगा आंसर सही है या गलत है। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन ली है, ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन, ये जो फॉर्मूला है वो अपने लिए सही होगा। अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किए तो भी, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई कर ली है। बट अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कोई कंडीशन है और अगर आपने साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किए, तो फिर इस इक्वेशन में जो भी आंसर आएगा वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो कंपलसरी कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल दिया है रिलेटेड टू मिरर है, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑन मिरर इक्वेशन है, तो कंपलसरी साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी ही है। लिया? समझ में आ गया? ओके। अच्छा, गलती हो गई, फिगर साफ नहीं करनी थी, फिगर साफ नहीं करनी थी, फिर से बना लेता हूँ। मेरा इक्वेशन तो आपको पता हो गया, पता चल गया, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज आती है, लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो छोटी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, यानी कि क्या भाई रेशियो में बढ़ रही होगी इमेज, ठीक है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हमें मिलेगा लेटरल मैग्निफिकेशन की हेल्प से, ठीक है। दिस वन इज सी, दिस वन इज एफ, ओके, दिस इज ए पी एच। चलिए फर्स्ट रे हम लोग इस तरीके से लेते हैं, सेकंड वन हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। दिस वन इज एडस, दिस वन इज बीडस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तो सेम ही होगा, ठीक है। दिस वन इज एच डस, ओके। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है, ओके, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेटरल मैग्निफिकेशन, अभी मैंने बताया कि भाई ऑब्जेक्ट से इमेज जो है कितना बड़ा बनेगा, कितनी छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, या कितना बड़ी इमेज बनेगी, वो हो गई मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट एच डैश एंड ऑब्जेक्ट हाइट एच इज नोन एज लैटरल मैग्निफिकेशन, ओके। सो द लैटरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ओके। लैटरल मैग्निफिकेशन डिवाइडेड बाय एम, एल लिख सकते हैं फॉर लैटरल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन भी होगा, बट वो भी अपने लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे आएगा फिर हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हुए मैग्निफिकेशन को और कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया एच बाय एच, ठीक है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम फिगर tan theta is equal to for triangle APB, tan theta is equal to AB upon PB, and for triangle A dash B dash P, tan theta is equal to PB dash upon, sorry, A dash B dash upon PB dash, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो लिख सकता हूं A dash B dash upon AB is equal to PB dash upon PB, ठीक है। अब मैं करता हूं भाई साइन कन्वेंशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखिए भाई A dash B dash विच इज इक्वल टू A dash B dash में अपनी है हाइट, बट इन्वर्टेड है, तो भाई डाउनवर्ड हाइट क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमने नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। AB प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, पॉजिटिव होगा। चलिए PB डैश,
अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे से अपोजिट है तो होगा नेगेटिव, एंड इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तो जनरली यही होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है, मिरर के सामने रखोगे ना अपोजिट साइड, यहाँ पे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखने वाले हो, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो रहा है, ए डैश बी डैश माइनस एच डैश अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू प्लस एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस वी, यानी कि वी बाई यू, ठीक है। अगर एच डैश अपॉन एक्स है तो मैं बोलूंगा भाई मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। और अगर m जो है मैग्निफिकेशन इज लेस देन जीरो, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव मींस के जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड जब मैग्निफिकेशन इज लेस देन जीरो, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू कोई आ रही है, so we can write it is a virtual image and erected here, okay। चलिए इसके अलावा ये तो हो गई सारी टेक्स्ट बुक की बात है, ठीक है। मैग्निफिकेशन को अगर मुझे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो मैं डिराइव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मिरर इक्वेशन, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है ना, और ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए मुझे क्या चाहिए, u और f के फॉर्म में, मुझे इसके फंक्शन में u और f के फॉर्म में मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन, तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, सॉरी 1 अपॉन u, तो हो गया u माइनस f अपॉन uf, ठीक है, तो ये हो गया अपना u by v which is equal to u minus f upon f, ठीक है। मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट, माइनस v by u, तो पहले इसको रेसिप्रोकल करिए, तो हो गया f upon u, u minus f, इसको नेगेटिव देने की जगह इसको नेगेटिव दे देते तो पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, f upon f minus u, ठीक है। ये चीज हमने किसके लिए अप्लाई की हुई है, भाई इस कंडीशन के लिए, इफ यू वांट, अगर इसके अलग कोई कंडीशन है, और मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला जब भी अप्लाई करूंगा तो क्या कर रहा है, मुझे फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी गिवन है उसको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका उल्टा होता, मुझे वी और एफ के फॉर्म में चाहिए, तो ये मिलेगा वी माइनस एफ अपॉन एफ, क्लियर क्लियर। कई बार क्या होता है कि सपोज करिए f इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मिरर है कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, तो सीधे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर है तो दिस इज माइनस 12, ओके, f दिस इज माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 15, माइनस 12 अपॉन 3, यानी कि मैग्निफिकेशन इट इज द 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये जो इमेज है वो बड़ी बन रही होगी, बट नेगेटिव का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन, समझ में आ गया, तो इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारे ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिए नहीं है, ओके। चलिए किसी को कोई डाउट है इसमें, एकदम फर्स्ट क्लास, हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए चलिए समझ में आ गया, इन दोनों के बेस भी कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एमसीक्यू के लिए तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग तुरंत एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे सॉल्व किया, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके मिरर इक्वेशन और कहीं पे मैग्निफिकेशन वगैरह जो भी इसके बेस जो भी न्यूमेरिकल है हम लोग कल
सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं, इसके बाद जेईई नीट में किस टाइप के एमसीक्यू आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा रिफ्लेक्शन पूरा होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे पूरे हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे रिफ्लेक्शन में, ठीक है। और रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन वो सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि लेंस आता है, सारी चीजें इसी के अंदर है। और जेईई नीट में भी अगर ट्विस्ट कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्शन के बेस पे वहीं पे हम लोग ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको ज्यादा टाइम लगेगा, रिफ्लेक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर भाई, आपको कोई डाउट नहीं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और रिफ्लेक्शन में, और हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर जो लोग नहीं है, जिनको पता नहीं है या आज सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग पहले लेक्चर 1 और 2 वो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 में आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, काफी टाइम आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।